हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवरत्न जांगे, टीम केमिस्ट्री, टीम सीएलसी, और मेरे साथ है ओपी सारंग सर। आज गुरुनीति का एपिसोड नंबर 26 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, गुरुनीति एक सीएलसी का यूनिक कंसेप्ट है। इसके साथ में आपको एक बेसिक आउटलाइन आइडिया हो जाता है चैप्टर के बारे में और आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो सर अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है इसमें K1, K2 एंड K3 आर द रेस्पेक्टिव आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन के लिए K1, K2 और K3 आपको रिएक्शंस के लिए दे रखे हैं। तो सर इसमें चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट होगा? तो देखो सर, इसमें क्या है कि दो रिएक्शन से आपको एक फाइनल रिएक्शन प्राप्त करनी है। इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 है और इसका क्या है, Ka2 है। बिल्कुल सर। तो आप इन दोनों रिएक्शन से ये रिएक्शन ऑब्टेन कैसे करोगे? इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे। ऐड करोगे तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएंगे। तो Ka3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ka1 इनटू Ka2। यानी कि दो इक्वेशन को जोड़ने पे अगर आपको फाइनल इक्वेशन प्राप्त हो रही है तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेंपरेचर और मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है, है ना। हां, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिडिटी ऑफ BF3 कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांसेप्ट। BF3 की अम्लता की व्याख्या निम्नलिखित में से कौन से संकल्पना के आधार पर की जा सकती है? तो देखो सर, BF3 के लेविस एसिड है। लेविस एसिड क्या होते हैं, जो लोन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या इनकम्प्लीट है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। तो ये किस बेसिस पे BF3 है, वो लेविस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। और लेविस बेस क्या करता है, जो लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है सर, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस अ बफर सॉल्यूशन व्हेन मिक्स इन इक्वल वॉल्यूम। सर मैं इसमें आपको ये भी कि बफर का एक जनरल आप कंसेप्ट भी बच्चों को बताएं, और इसमें चार स्टेटमेंट अपने को दे रखे हैं कि कौन सा बफर सॉल्यूशन के रूप में काम करेगा। तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार नीट के अंदर या जेई के अंदर आते हैं। बफर सॉल्यूशन कौन सा है या नहीं है, उसके लिए आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस is greater than gram equivalent of acid। यानी कि बफर सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, एक एसिडिक बफर, एक बेसिक बफर होता है। एसिडिक बफर किससे मिलकर बना होता है, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और बेसिक बफर किससे मिलकर बना होता है, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो इसके अंदर 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब HCl है। तो देखो इन दोनों के बीच में आप रिएक्शन कराओगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर वीक बेस नहीं रहेगा। सेकंड ऑप्शन में देखो आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl आपस में रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड प्लस H2 का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो इसके कितने मोल दे रखे हैं आपको, 0.05 मोल। इसके कितने मोल है, 0.1 मोल। आफ्टर द रिएक्शन क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये भी बफर सॉल्यूशन नहीं होगा, ये भी बफर सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल है, 0.1 मोल है, 0.1 मोल है। और HCl के क्या है, 0.05 मोल है। तो आफ्टर द रिएक्शन जब रिएक्शन होगी तो इसके मोल कितने होंगे, 0.05 मोल कंज्यूम हो जाएगा। इसका मोल बचेगा 0 और इसका कितना बनेगा, 0.05। तो लास्ट जो फाइनल सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या है, वीक बेस है और उससे बना सोल्ट है। तो ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या कहोगे, बफर सॉल्यूशन। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बफर सॉल्यूशन पीएच का जो चेंज है उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा, और इसमें बेसिकली ग्राम इक्विवेलेंट का कांसेप्ट भी लग रहा है जो कि मोल कांसेप्ट का है ना। इसमें आंसर अपना जा रहा है सर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। कौन सा रिलेशन करेक्ट है, ये चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, डेल्टा जी नोट इक्वल टू RT ln K। तो वी नो दैट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी जीरो होता है। तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू क्या होगा, माइनस का RT ln K। जो पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर pH, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाइड्रोनियम की आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁷ होती है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है log 10 बेस Kw2/Kw1। तो अपने एक रिलेशन देखा था Kw = A e⁻ डेल्टा H/RT। क्यों सर? बिल्कुल सर। अब इसका दोनों साइड आप क्या करोगे, लॉग लोगे, तो क्या होगा log Kw/log A - डेल्टा H/RT। एक स्टेप बात करते हैं, log EBC की वैल्यू क्या होती है 1। अब देखो आप एक टेम्परेचर टेबल ले लो, उस पे कांस्टेंट क्या होगा Kw1 और T2 टेम्परेचर पे कांस्टेंट क्या होगा Kw2। ठीक है, दो इक्वेशन बना दो और इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस करोगे तो आपके पास फाइनली क्या आएगा log 10 बेस Kw2/Kw1 इक्वल टू क्या आएगा डेल्टा H नोड अपॉन 2.303R 1/T1 - 1/T2। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन क्या है, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन है 10⁻⁷ फॉर प्योर वाटर एट ऑल टेम्परेचर। ये बिल्कुल गलत है। देखो यहाँ कितना टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस है तभी आप बोल सकते हो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी 10⁻⁷ तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो थर्ड ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। देखिए क्वेश्चन हमने जरूर इजी सा लिया है, लेकिन इसके आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो एक आउटलाइन आपको मिल रहा है, आइडिया आपको मिल रहा है। इसको घर पे आप जैसे टॉपिक को आप रिवाइज कर रहे हो, काफी सारी चीजें जो है आसपास की आप डिस्कस कर सकते हो। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2 PO4 - H। तो देखो आप कोई भी स्पीशीज का कॉन्जुगेटेड एसिड या बेस निकालते हो। ये जैसे स्पीशीज है, कोई भी स्पीशीज है, इसका आपको अगर कॉन्जुगेटेड एसिड निकालना है तो आप क्या करोगे, इसमें H+ आयन ऐड करोगे। ठीक है, बिल्कुल। और कॉन्जुगेटेड अगर आपको बेस निकालना है तो उसमें आप H- आयन क्या करोगे, रिलीज करोगे। जैसे आपके पास ये स्पीशीज है H2 PO4 - 1। इसको आपको अगर कॉन्जुगेटेड एसिड चाहिए तो क्या होगा, H+ आयन ऐड कर दो तो क्या होगा H3PO4। और कॉन्जुगेटेड आपको बेस चाहिए तो इससे H+ आयन रिलीज कर दो तो क्या हो जाएगा HPO4 - 2। तो कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। कॉन्जुगेट बेस पूछा है तो एसिड बेस थ्योरी का एक सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। विच सॉल्ट कैन फर्निश H+ इन एक्वस सॉल्यूशन। कौन सा लवण इनके जलीय विलयन में H+ आयन देगा। जी सर, देखो बच्चों एक बेसिक मतलब क्वेश्चन आता काफी इंपॉर्टेंट है। H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसका एन फैक्टर कितना होता है बच्चे क्या कहते हैं, इसका एन फैक्टर 3 बताते हैं, जबकि इसका एन फैक्टर कितना होता है 1, यानी कि इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना होगा 1 ही होगा। और H3PO3 का एन फैक्टर कितना होगा 2, इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना होगा 2। और H3PO3 का एन फैक्टर कितना होगा 3, H3PO4 का। जनरली एसिड में जो H+ दिखाई देते हैं वही रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर से पता चलता है इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 है, इसमें 2 है और इसमें कितने 3। अब इसकी मैं बेस के साथ रिएक्शन करवाता हूं। देखो इनमें तीनों की बेस के साथ रिएक्शन कराऊंगा NaOH के साथ, तो क्या होगा वाटर रिलीज होगा और क्या बनेगा सॉल्ट NaH2PO2। अब कई बच्चे फॉस्फाइड, तो ये क्या इसमें जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेसेबल थोड़ी है, नहीं है, दिख रहा है आपको, लेकिन वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है ये। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड देखो आप H3PO3 इसके NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा NaH2PO3। इसमें अभी देखो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। अगेन आप NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो एक वाटर का मॉलिक्यूल और रिलीज होगा और क्या बनेगा Na2HPO3। लेकिन अब यह हाइड्रोजन क्या है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, आप चाहे वाटर के अंदर डाल दो। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, थर्ड देखो Na2HPO4, ये इसमें तीनों के तीनों हाइड्रोजन क्या है, रिप्लेसेबल है, इसीलिए इसका एन फैक्टर कितना होता है 3। तो इसकी 2 सोडियम के साथ एक साथ रिएक्शन करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बनेगा Na2HPO4। अब देखो ये जो हाइड्रोजन है वो क्या है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। आप अगेन इसके NaOH के साथ रिएक्शन करवा के क्या बना सकते हो Na3PO4 सोल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब साल्ट का क्लासिफिकेशन अपन डिस्कस करते हैं तब भी अपन जो नॉर्मल सिंपल सॉल्ट होते हैं उसके अंदर मान लो रिप्लेसेबल H+ या OH- प्रेजेंट होते हैं तो एसिडिक और बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करते ही हैं। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.01 मोलर HA एक्वा सॉल्यूशन है जिसका 2% आयोनाइजेशन होता है तो OH- सॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन है। 0.01 m HA 2% आयनित होता है तो विलयन में OH आयन की कंसंट्रेशन अपने को पूछी है। देखो HA क्या है, यहाँ पे वीक एसिड है और वीक एसिड की कंसंट्रेशन H प्लस कैसे कैलकुलेट करते हो C अल्फा, ठीक है। C यहाँ पे क्या है, वीक एसिड की कंसंट्रेशन अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और C कितना है 0.01 इनटू अल्फा कितना देगा 2%, वो वीक एसिड क्या हो गया आयनाइज हो गया तो 2/100 तो ये क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ ये आ गया H+ आयन की कंसंट्रेशन। आपसे पूछी OH- आयन की कंसंट्रेशन तो वी नो दैट एट 25 डिग्री सेल्सियस H+ आयन की कंसंट्रेशन और OH- आयन की कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके लोग 10⁻⁴ और H+ आयन की कंसंट्रेशन आपके पास है तो OH- आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी 10⁻⁴ / 2 × 10⁻⁴। अब इसको सोल्व कर लो आप तो ये कितना आ जाएगा 5 × 10⁻⁴ थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल सर, ये वीक एसिड और वीक बेस के डिसोसिएशन से रिलेटेड थ्योरी आप इसके साथ में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबफर्ड सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ एसिटिक एसिड पीकेए की वैल्यू अपने को दे रखी है 5 हैविंग कंसंट्रेशन 1.5 m and sodium acetate having concentration 0.15 m. What is the number of OH ion present in 1 liter solution? एक buffer acetic acid दे रखा है इसका pKa अपने को दे रखा है 5, concentration उसकी 1.5 m दे रखी है, sodium acetate जिसकी सांद्रता 0.15 m मिलाकर बनाया जाता है तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने OH आयन उपस्थित होंगे। तो देखो ये बेसिकली बफर सॉल्यूशन के काफी क्वेश्चन आते हैं जेईई के अंदर तो आपको इस क्वेश्चन में ये चेक करना है कि एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है। तो एसिडिक एसिड है और जिसकी कंसंट्रेशन आपको दे रखी है और सोडियम एसिटेट है तो यानी कि एसिडिक एसिड और सोडियम एसिटेट है तो बताओ ये एसिडिक बफर होगा कि बेसिक बफर होगा। ये एसिडिक बफर होगा, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका सॉल्ट है तो ये क्या हो जाएगा एसिडिक बफर हो जाएगा। पीके दे रखा है तो इसकी पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, पीएच इक्वल टू क्या होगा पीकेए प्लस लॉग 10 बेस सॉल्ट अपॉन एसिड, ये इसका फॉर्मूला होता है एसिडिक बफर के लिए। तो देखो आपको क्या दे रखा है इसके अंदर पीके दे रखा है कितना 5 और इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है किसकी उस एसिड की और सॉल्ट की कितनी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.15 तो पीएच आप कैलकुलेट कर लो, पीएच के बाद में आप पीओएच कैलकुलेट कर लेना और फिर ओएच माइनस आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करके आप नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट कर सकते हो। पीके कितना आएगा 5 प्लस लॉग 10 बेस सॉल्ट कितना दे रखा है इसके अंदर 0.15 और नीचे कितना है 1.5 तो उठाओ आप तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा तो पीएच इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 प्लस लॉग 10 बेस 1/10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 तो ये पीएच इसकी आ जाएगी कितनी 4, पीएच 4 आ जाएगी तो पीओएच कितनी आएगी, पीओएच आ जाएगी इसकी 10 क्योंकि पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू कितना होता है 14 तो पीओएच आ जाएगी इसकी 10 तो ओएच माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी 10⁻⁻10 ये तो इसकी कंसंट्रेशन आ गई। आपसे पूछे नंबर ऑफ आयंस पूछे तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो Na से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, नंबर ऑफ OH माइनस आयन हो जाएंगे ये 10⁻⁻10 मोल इनटू Na तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन है। बिल्कुल सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl NH3 हैज pH 8 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड मे बी प्रेसिपिटेटेड व्हेन दिस सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.2 m ऑफ मेटल आयन। सर हां तो देखो ये बेसिक बफर सॉल्यूशन जिसके लिए pH कितनी दे रखी है 8 है, pH 8 है तो pOH कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी तो OH- आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी 10⁻⁻6 और ये मेटल आयन की कंसंट्रेशन इसके अंदर दे रखी है, ये चारों के चारों ऑप्शंस में है वो मेटल आयन दे रखे हैं वो 0.2 है। अब देखो प्रेसिपिटेशन के लिए क्या प्रोसेस होता है, KIP की वैल्यू यानी आयनिक प्रोडक्ट है वो सॉल्ट का वो ज्यादा होगा उसकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। तो के आई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेटल आयन की कंसंट्रेशन क्या है 0.2 एम इंटू हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या है 10^-2 का स्क्वायर। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2 × 10^-13। तो देखो कौन से ऑप्शन के अंदर के आई पी की वैल्यू ज्यादा है के एस पी से। तो पहले ऑप्शन में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन ये है हाइड्रोक्साइड, वो सबसे पहले क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन 0.2 एम NH4OH एंड 0.2 एम NH4Cl। एक बेस दे रखा है अपने को, एक सोल्ट दे रखा है। इफ 1.0 ml of 0.00 m HCl is added to it, what will be the OH ion of the resulting solution? Kb का मान दे रखा है 2 × 10^-5। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या है 0.2 m अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, 0.2 m अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। इफ 1 ml of 0.001 HCl को ऐड किया है तो OH- आयन की कंसंट्रेशन इसके अंदर क्या होगी। तो ये क्या है बेसिक बफर सॉल्यूशन है। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन है, उसके लिए आपको क्या करना है, Kb की वैल्यू गिवन है कितनी है 2 × 10^-5, ठीक है। और Kb इक्वल टू क्या होता है वीक बेस के लिए अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन इंटू OH- आयन की कंसंट्रेशन अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन। तो वैल्यू पुट कर दो और OH- आयन की कंसंट्रेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये Kb की वैल्यू क्या होगी 2 × 10^-5 इक्वल टू अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन। और अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 0.2 एम इंटू OH- आयन की कंसंट्रेशन अपॉन नीचे क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन भी कितनी दे रखी 0.2 है। तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। और OH- आयन की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी 2 × 10^-5, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर Pb+2 आयन हैज बीन प्लेस्ड इन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल बिकॉज़ ऑफ। देखो इसमें क्या लेड+2 आयन को फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की सारे ग्रुपों के स्थान पर रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, आपने देखा भी होगा। क्योंकि लेड क्या है लेड+2 के स्लाइटली सोल्यूबल है, इसकी कुछ ना कुछ सोल्यूबिलिटी होगी, ये कंप्लीटली प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसकी केएसपी का मान क्या होगा बहुत छोटा नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और ये कंप्लीटली क्या है कुछ ना कुछ सोल्यूबल है, तो कंप्लीटली प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगर इसको आप H2S के साथ जो रिमेनिंग लेड+2 आयन बचा है सोल्यूशन के अंदर उसको H2S के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो तो लेड सल्फाइड का क्या बनेगा प्रेसिपिटेट बनेगा। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन क्या है करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन अपने को दे रखी है और उसके बारे में अपने कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं कि कौन सा करेक्ट होगा और कौन सा नहीं। जी सर। तो देखो आप रिएक्शन को देखो फर्स्ट और थर्ड, इसमें देखो क्या डिफरेंस है। इसमें एक H+N, ये H+N डोनेट कर रहा है, H2 के मॉलिक्यूल यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितने 5 है OH है, यानी ये H+N क्या करेगा डोनेट करेगा। जो H+N डोनेट करता है वो क्या होता है एसिड होता है, जो H+N गेन करता है वो क्या होता है बेस होता है। तो ये तो क्या हो गया एसिड हो गया, और ये इसका क्या हो गया कॉन्जुगेटेड बेस, ये इसका क्या हो गया कॉन्जुगेटेड बेस। और जो इसने जो H+N डोनेट किया वो किसने गेन किया इसने गेन किया, तो ये क्या हो गया बेस और ये इसका क्या हो गया कॉन्जुगेटेड एसिड हो गया। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट यानी कि फर्स्ट इज एसिड एंड सेकंड द बेस, पहला ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट। थर्ड क्या है थर्ड इज द कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ फर्स्ट, थर्ड है वो कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ एसिड यानी फर्स्ट, और फोर्थ इज ए कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ सेकंड, फोर्थ इज ए कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ सेकंड। तो इनके थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर निम्न में से कौन सा संयुग्मित अम्ल क्षारों का युग्म है, पिक आउट द एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि ये क्या होता है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर क्या होता है, ऐसे दो मॉलिक्यूल्स जिसमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है उसे आप क्या बोलोगे कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। तो देखो इसमें कितने प्रोटॉन का डिफरेंस है, दो प्रोटॉन का डिफरेंस है, तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर नहीं होंगे। इसके अंदर देखो आप N2H6 N2H5, इसमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस है तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर होगी। इसके अंदर एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, ये भी कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर होगी। इसमें भी एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, ये भी कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर होगी। तो सिंपल से बात है, एक प्रोटॉन का अगर डिफरेंस होता है उसे आप क्या कहोगे, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। An acid base indicator has a Ka of 3.0 times to the -5. The acid form the indicator is red and the basic form is blue. एक अम्लसार सूचक दे रखा है आपने को, जिसका Ka की वैल्यू अपने को दे रखी है। सूचक का अम्ल प्रारूप जो है वो रेड कलर का है और बेस का जो है वो नीले कलर का है। तो ये क्वेश्चन सर देखो एसिड बेस इंडिकेटर से, जिसके लिए आपको Ka का वैल्यू आपको दे रखा है। सर आप ब्लैंक पेज निकालें। बिल्कुल सर, ये कोई इंडिकेटर है। जैसे मैं फिनोप्थिलीन की बात कर लेता हूं, इसका अनआयनाइज्ड पार्ट तो कितना हो जाएगा 75 और आयनाइज्ड पार्ट कितना हो जाएगा 25, यानी कि ये 75% ही क्या हुआ, अनआयनाइज्ड हुआ। आयनाइज्ड कितना है 25, जबकि यहाँ पे क्या है, इधर वाला पार्ट होता है अनआयनाइज्ड पार्ट और इधर वाला होता है आयनाइज्ड पार्ट। तो ये आयोनाइज कितना है 75 और अनआयोनाइज कितना है 25। इसकी Ka की वैल्यू दिखाना सर एक बार। Ka की वैल्यू सर 3 × 10⁻⁵। ठीक है, नेक्स्ट करें 3 × 10⁻⁵। तो इसके pKa की वैल्यू आप सीधी निकाल सकते हो 5 - log 10⁻³। तो ये आ जाएगी 4.53। तो देखो इसकी एसिडिक इंडिकेटर के लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इक्वल टू क्या होता है पीकेए प्लस log 10⁻⁵ आयनाइज पार्ट अपॉन अनआयनाइज पार्ट। तो देखो आयनाइज पार्ट 25 है, अनआयनाइज पार्ट कितना है 75 है। तो पीएच बराबर क्या है, पीकेए कितना है 4.53 प्लस log 10⁻⁵, इसका आयनाइज पार्ट कितना है 25, अनआयनाइज कितना है 75। जब इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4.53 माइनस का 0.47, तो ये आ जाएगा 4.05। यानी कि जब सूचक 75% रेड है, यानी कि ये रेड है, ये 75% रेड है, तो पीएच का मान क्या आएगा 4.05। देन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। जब सूचक 75% नीला है, सब एक बार आगे निकालें, ये 75% क्या है ब्लू है, तो पीएच का मान क्या होगा। तो अब इस केस के अंदर पीएच का मान क्या होगा, पीएच इक्वल टू पीके की वैल्यू तो वही होगी 4.53 प्लस log 10⁻⁵। अब देखो इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें अनआयनाइज्ड पार्ट कितना है 75 और आयनाइज्ड कितना है 25, ये 3 टाइम्स जाएगा। तो इसमें क्या होगा log 10⁻³ की वैल्यू ऐड होगी और log 10⁻³ की वैल्यू क्या होती है 0.47। इनको आप ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 5.05। हाँ, पीछे करो, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी क्या है करेक्ट है। ऑलमोस्ट क्या आएगी 5, सिर्फ कितनी आएगी 5 आएगी, सॉरी इसकी पीएच क्या आएगी 5। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, a 1 liter solution of pH 1 diluted up to 10 times, what volume of the solution with pH 2 is to be added in dilute solution so that pH does not change। 1 लीटर विलियन है, इसकी pH 1 है, 10 गुना तक तनु किया जाता है। एक अन्य विलियन जिसकी pH 2 है, का कितना आयतन तनु विलियन में मिलाएं कि pH में परिवर्तन ना हो। देखो 1 लीटर का सॉल्यूशन जिसकी pH 1 है, अब pH 1 है तो सिंपल सी बात है H+N की कंसंट्रेशन क्या होगी 10⁻⁻⁻। ठीक है, इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 कितना है आपका 1 लीटर है। अब इसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया 10 टाइम्स, तो V2 कितना हो जाएगा 10 × V1। तो V1 कितना हो गया 1, तो फर्स्ट का क्या हो गया 10 टाइम्स है। तो अपन इसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं M1 V1 ऑन डाइल्यूशन के केस में M2 V2। तो M2 कितनी हो जाएगी M1 V1 10⁻⁻⁻1 अपॉन नीचे M2 आएगा, सॉरी V2 आएगा 10, तो ये आ जाएगी 10⁻⁻⁵। यानी कि H+N की कंसंट्रेशन 10⁻⁻² आ गई, तो pH कितनी आएगी, pH आएगी 2। अब ये एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच कितनी है 2 है। अब एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी पीएच कितनी है 2 है, उसको एडेड किया है, मतलब कि एडेड के साथ डाइल्यूट भी किया है, तो पीएच डज नॉट चेंज। आप कितना भी वॉल्यूम निकालो, पहले भी पीएच 2 है, उसके बाद में दूसरा सॉल्यूशन मिला है उसके भी पीएच 2 है, तो आप कितना भी वॉल्यूम मतलब कि कितना भी डाइल्यूट करो पीएच में कोई चेंज नहीं करोगे। तो 4 ऑप्शन है, 1 लीटर भी कर दो, 2 लीटर भी कर दो, 25 लीटर भी कर दो, 100 लीटर भी कर दो, कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। तो 4 ऑप्शन इसके करेक्ट है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अ वीक बेस BF3 टाइटेटेड विद अ स्ट्रांग एसिड HA, व्हेन 10 ml of HA is added the pH is found to be 9.0 and when 25 ml is added pH is 8, the volume of the acid required to reach the equivalent point। हाँ तो देखो इसमें इक्विवेलेंट पॉइंट आपको निकालना, इक्विवेलेंट पॉइंट पे आपको क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है। बिल्कुल तो देखो ये नो डाउट बफर सॉल्यूशन से क्वेश्चन है, वीक बेस है और एसिड इसके अंदर मिलाया और एसिड की कंसंट्रेशन जो वॉल्यूम दे रखा है वो 10 ml दे रखा है, उस टाइम इसकी पीएच कितनी है, उस टाइम इसकी पीएच कितनी है 9 है। और दूसरे पॉइंट पे जब वे एसिड है उसकी कंसंट्रेशन है वो कितनी है 25 ml है, उस टाइम उसकी पीएच कितनी है 8 है। सर ब्लैंक पेज निकालना। तो देखो ये बच्चों क्या है, बेसिक बफर है, बेसिक बफर के लिए पीओएच इक्वल टू क्या होता है पीकेबी प्लस लॉग 10 बेस सॉल्ट अपॉन बेस। अब देखो ये बेस है बीओएच प्लस एचए से क्या बनेगा बीए सॉल्ट बनेगा प्लस H2, इसका वॉल्यूम कितना है 10 ml दे रखे और उसकी कंसंट्रेशन में मान लेता हूँ उसकी y है, मोलरिटी इसकी y है, तो इसके मोल कितने होंगे 10y, तो ये हो जाएगा 10y। इसके इनिशियल मोल में ले लेता हूँ a, तो आफ्टर द रिएक्शन ये क्या होगा सॉल्यूशन के अंदर रिमेनिंग रहेगा, नहीं तो फिर बफर सॉल्यूशन नहीं रहेगा ना, क्योंकि बफर सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए वीक बेस और उसका सॉल्ट होना चाहिए। तो ये a माइनस का 10y, ये 0 और ये कितना होगा 10y। तो यहाँ पे आप POH देखो पीएच इसकी 9 है तो POH कितनी होगी इसकी 5 इक्वल टू PKB प्लस log 10 बेस सोल्ट कितना है 10y और ये कितना है a माइनस का 10y। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, किससे, इस पहले वाली एसिड से। सेकंड वाले एसिड में वॉल्यूम कितना है 25 ml, तो अब 25 ml वॉल्यूम में मोलरिटी इसकी y है, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस का 25y और ये जो सोल्ट बनेगा वो 25y। देखो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, इसकी pH 8 है तो इसकी pOH कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो एक इक्वेशन और बना लो आप, इसकी pOH 6 इक्वल टू PKB प्लस log 10 बेस 25 अपॉन a माइनस का 25y। अब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को आप क्या कर दो माइनस कर दो, तो 6 - 5 कितना आ गया 1, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट और log 10 बेस इसमें से इसको माइनस करोगे तो 25 अपॉन क्या आएगा a माइनस का 25y अपॉन नीचे ये पुट करोगे तो ये क्या आएगा 10y अपॉन क्या आएगा a माइनस का 10y। तो देखो इसका एंटी लॉग लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 a माइनस का 10y अपॉन क्या हो जाएगा a माइनस का 25y इंटू 10y। तो देखो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 100 और 100 का 25 से कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा 4, तो 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा a माइनस का 10y इक्वल टू a माइनस का 25y। तो ये आ जाएगा 4a माइनस का 100y इक्वल टू a माइनस का 10y। तो ये आ जाएगा आपके पास 3a इक्वल टू 90y, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 अपॉन 3y और a इक्वल टू आ जाएगा आपका 30y। यानी कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन आपने किसके लिए थी वीक बेस के लिए थी वो कितनी आ गई 30y आ गई और y यहाँ पे क्या है मोलरिटी, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 30 ml आ जाएगा। तो सर इसका वॉल्यूम जो आपसे पूछा है इक्विवेलेंट पॉइंट पे वो आएगा 30 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन given K value of 5.76 × 10⁻¹⁰ and 4.8 × 10⁻¹⁰ for NH4 plus and HCl respectively. HCl के लिए अपने को वैल्यू दे रखी है ये वाली, और अपने को दे रखी है NH4 प्लस के लिए दे रखी है ये वाली, और 4.8 × 10⁻¹⁰ दे रखी है अपने को HCl के लिए. What is the equilibrium constant for the following reaction? इस रिएक्शन के लिए अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है. तो ये दो एसिड है HCl, ये किस में डिसोसिएट हो गया H++Cn-, इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको Ka क्या दे रखा है, इसके लिए शायद Ka की वैल्यू ये है 4.8 × 10⁻¹⁰ और सेकंड है अमोनियम आयन NH4+, ये किस में डिसोसिएट होगा H++ अमोनियम, इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको दे रखा 5.76 × 10⁻¹⁰ ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है. तो देखो आपको इन दोनों इक्वेशन से ये फाइनल इक्वेशन प्राप्त करनी है. तो देखो अमोनियम आयन है वो रिएक्टेंट साइड चाहिए, बिल्कुल रिएक्टेंट साइड है, लेकिन ये साइनाइड है, इधर प्रोडक्ट साइड है, तो इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा. तो पहली रिएक्शन को रिवर्स करो और सेकंड इक्वेशन को एज इट इज पुट करो. तो इसको रिवर्स करोगे तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाता है. तो K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4.8 × 10⁻¹⁰ पिन दोनों को ऐड करोगे तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएंगे. तो K क्या हो जाएगा फाइनली किस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए, तो ये हो जाएगा 5.76 × 10⁻¹⁰ अपॉन 4.8 × 10⁻¹⁰ तो 10⁻¹⁰ से 10⁻¹⁰ क्या हो गया, कैंसिल आउट. तो ये 1.12 के अराउंड इसका आंसर है. बिल्कुल सर. नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं सर. सेलेनियम एसिड अपने को दे रखा है, सेलेनियस एसिड अपने को दे रखा है H2SiO3, डाइप्रोटिक एसिड है जिसका Ka1 अपने को दे रखा है 3.0 × 10⁻³ एंड Ka2 की वैल्यू भी अपने को दे रखी है. व्हाट द OH आयन ऑफ 0.30 m सॉल्यूशन ऑफ सेलेनियस एसिड. तो देखो सेलेनियस एसिड क्या है, डाइप्रोटिक एसिड है, बिल्कुल इसका दो बार डिसोसिएशन होता है. तो Ka1 दे रखा है, Ka2 दे रखा है, तो देखो ऐसी सिचुएशन में देखो Ka1 की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है किससे, Ka2 से, तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो. क्यों सर, बिल्कुल सर. और वीक एसिड है और उसके लिए H+ आयन की कंसंट्रेशन आप कैसे निकालोगे, √Ka × C से, और Ka की वैल्यू क्या दे रखी, Ka1 पुट करना है क्योंकि Ka2 की वैल्यू तो बहुत ही कम है, 3 × 10⁻³ और इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.30, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁴, ये इसके H+ आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी. तो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻², ये इसके H+ आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी. आपसे कुछ ही OH- आयन की कंसंट्रेशन, तो वी नो दैट H+ आयन की कंसंट्रेशन इनटू OH- आयन की कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आएगा 10⁻¹⁴. तो OH- आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी 10⁻¹⁴ अपॉन H+ आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है 3 × 10⁻², तो ये 10⁻¹² है अपॉन 3 इसका आंसर है. बिल्कुल सर. आगे इसको सिंपलीफाई कर सकते हो आप. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 1 m NH3 एंड 1 m HCl रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 300 ml ऑफ ए बफर ऑफ pH 9.2 pKa की वैल्यू अपने को दे रखी है. तो देखो सर इसमें क्या है, मतलब कि ये एक बेसिक बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल है जिसमें 1 m अमोनिया दे रखा है, 1 m क्या दे रखा है, HCl दे रखा है. तो इसकी वॉल्यूम अमोनिया की xml मान लेता हूँ, xml और HCl की क्या हो जाएगी, दोनों की टोटल कितनी दे रखी है 300 ml दे रखी है. एक x अज्यूम कर लेंगे तो दूसरे की कितनी होगी 300 - xml. अब देखो ये क्या बेसिक बफर है, तो उसके लिए pH कितना है 9.26 है, तो pOH कितना हो जाएगा 4.76 और इसके लिए pKa दे रखा है, तो pKb की वैल्यू क्या होगी 14 - 9.26, तो pKb इक्वल टू हो जाएगा 14 में से इसको माइनस करो तो 4.76. अब ये क्या बेसिक बफर सॉल्यूशन है, अमोनिया HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड सोल्ट बनेगा. तो बेसिक बफर के लिए क्या होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए, उससे बड़ा सोल्ट होना चाहिए. इसका xml दे रखा है, इसकी मोलरिटी कितनी 1, तो इसकी मोल कितनी हो जाएगी x, इसके कितने हो जाएंगे 300 - x. अब देखो बफर सॉल्यूशन के लिए पूरा का पूरा एसिड क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा. तो आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा, x - का 300 - का x ये पूरा का पूरा हो जाएगा जीरो और इसकी कंसंट्रेशन क्या आएगी 300 माइनस का एक्स आएगी। अब देखो ये फर्स्ट सॉल्यूशन है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस का 300। ये तो आपके पास आ गई बेस की कंसंट्रेशन, ये आ गई आपके पास सोल्ट की कंसंट्रेशन। सर वाइट पेज निकालना। तो बेसिक बफर के लिए पी ओ एच इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी ओ एच इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग 10 बेस सोल्ट अपॉन बेस। तो पी ओ एच कितनी है 4.76, ये 4.76 है, पी के बी की वैल्यू भी 4.76 है, प्लस लॉग 10 बेस सोल्ट कितना है 300 माइनस का एक्स अपॉन अमोनिया कितना है 2x माइनस का 300। तो देखो इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये इधर वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी जीरो आ जाएगी और log 10 बेस से इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। 10 की पावर जीरो क्या होता है 1 इक्वल टू 300 माइनस का x अपॉन 2x माइनस का 300। अब इसको सोल्व करके आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो क्या आ जाएगा 2x माइनस का 300 इक्वल टू 300 माइनस का x। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 600। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 200 ml आ जाएगी। यानी कि आपने एज्यूम किया था अमोनिया को x और इसकी वैल्यू कितनी है 200 ml और HCl को एज्यूम किया था 300 माइनस एक्स। तो 300 में से 200 माइनस करोगे तो 100 आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम तो आ जाएगा 200 ml और इसका वॉल्यूम आ जाएगा 100 ml। ठीक है बच्चों? बिल्कुल सर। जी सर। तो इन सभी क्वेश्चंस के माध्यम से हमने सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, है ना। तो इस आउटलाइन से आपको एक जनरल आइडिया होगा और इससे आपको चैप्टर तैयार करने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। स्टे होम स्टे हेल्थी।